जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज पूज्य श्री सेठ जी कहते हैं, श्री हरि, मानव जीवन की सफलता परमात्मा के मिलने में है। परमात्मा की प्राप्ति प्रेम से होती है और प्रेम के लिए एकांत में करुण भाव से भगवान की शरण होकर स्तुति प्रार्थना करनी चाहिए। संसार से वैराग्य और भगवान में प्रेम होने के संबंध में जो शास्त्र हैं उनका अध्ययन करना चाहिए। भगवान के भक्तों का संग करना तथा उनके बताए अनुसार साधन करना चाहिए। भगवान के गुण, प्रभाव, लीला, स्वरूप का श्रद्धा पूर्वक निरंतर चिंतन करना चाहिए। इससे भगवान के गुण, प्रभाव और लीला के भाव रहस्य को समझ सकता है और उससे भगवान में श्रद्धा होकर प्रेम हो सकता है। भगवान निश्चय हैं, भगवान हजारों को मिले हैं, मिलते रहेंगे, अतः हमें न मिलने में कोई भी कारण नहीं है। अतः हमें उपयुक्त प्रकार से इसके लिए प्राण पर्यंत प्रयास करना चाहिए। भगवान आकाश में हमारे सामने खड़े हैं और गुणों का हम पर प्रभाव डाल रहे हैं, अर्थात भगवान आनंद, शांति, प्रेम, ज्ञान, समता, दया आदि की मानो अनवरत वर्षा करते हैं, जिससे उनके परमाणुओं का हम में प्रवेश हो रहा है। जैसे आकाश में स्थित पूर्णिमा का चंद्रमा सर्वत्र अमृत की वर्षा करता है, इसी प्रकार भगवान हम पर वर्षा कर रहे हैं। ऐसा भाव करने से रोमांच और अश्रुपात होते हैं। अतः बार बार इन बातों का स्मरण करके भगवान के प्रेम में मुग्ध होना चाहिए और अश्रुपात तथा रोमांच की प्रतीक्षा करते रहना चाहिए। इन सब बातों को छोड़कर अन्य किसी का चिंतन ही ना करें। साधक आगे पूज्य श्री सेठ जी कहते हैं कि नित्य निरंतर भगवान के नाम का श्रद्धा सहित निष्काम भाव से प्रेम पूर्वक जाप करना और भगवान के स्वरूप का ध्यान करना, एक क्षण के लिए भी भगवान के नाम को कभी न भूलना, खूब मन से ये सब करना और जरा भी कमी रहे तो उसके लिए एकांत में श्रद्धा विश्वास पूर्वक करुण भाव से गदगद होकर रोते हुए भगवान से प्रार्थना करना, सबको भगवान का स्वरूप समझना, सब वस्तुओं को भगवान की समझना, सब कार्य भगवान के समझना और भगवान के लिए ही सब काम करना। जय श्री राधे। हमारा दूसरा चैनल संतों की पाठशाला, उस पर भी नित्य दो सत्संग अब डाले जाते हैं। कृपया आप वहाँ पर भी लाभ लें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री राधे। जय श्री राधे।